आज आईपीएल के दूसरे मुकाबले में जहां अंक तालिका में 9वें और 10वें पायदान की टीमें आमने सामने थी, यानी आज शनिवार के दूसरे मुकाबले में हैदराबाद और दिल्ली की टीम आमने सामने थी, जहां हैदराबाद ने दिल्ली की टीम को उसके घर में 9 रनों से हरा दिया है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 197 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिल्ली की टीम के सामने रखा था, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम 188 रन ही बना सकी। हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने 36 गेंदों में 67 रन बनाए तो वहीं क्लासे ने 27 गेंदों में धुआंधार 53 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल मार्श ने आज गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। वहीं आरिक नौरकिया, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, वो आज काफी महंगे साबित हुए हैं। नौरकिया ने 4 ओवरों में 44 रन दे दिए और उनके साथ ईशान शर्मा भी आज काफी महंगे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 188 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पहली ओवर में वार्नर के रूप में पहला झटका लगा, लेकिन उसके बाद मिचेल मार्श और फिल सॉल्ट ने बेहतरीन साझेदारी की और एक वक्त तक दिल्ली की टीम को मैच में काफी आगे रखा था। मार्श ने 63 रन बनाए तो वहीं सॉल्ट ने 59 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन इन दोनों का विकेट गिरते ही दिल्ली की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई और मध्यक्रम बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मयंक मार्कंडे और अभिषेक शर्मा ने स्पिन में बेहतरीन गेंदबाजी की तो वहीं नटराजन ने अपनी धारदार तेज गेंदबाजी से दिल्ली की टीम की कमर तोड़ दी।